हाँ आधे घंटे में कोई आपने टाइम नहीं दिया ज़्यादा अपने उठा लेंगे आप कुछ नहीं होगा ठीक है ठीक आप एक मिनट को फ़ोन कर रहा हूँ मैं तेरे को ट्राईपॉड के लिए तो ट्राईपॉड दे देंगे ठीक है फ़ोन कर रहा हूँ आज की सभा के विशेष अतिथि हमारे प्रेरणा स्रोत क्राइम फिक्शन श्रोमणी परम श्रद्धे श्रीमान सुरेंद्र मोहन पाठक जी, उनके साथ आए हुए सुनील जी, रीमा जी, फेसबुक ग्रुप सुरेंद्र मोहन पाठक द लीजेंड के सम्मानित सदस्यगण, कुछ प्रकाशन समूहों के प्रतिनिधि एवं अन्य उपस्थित सज्जनों और देवियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का यहाँ पधराने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विशेष रूप से माननीय श्री सुरेंद्र मोहन पाठक जी का हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद कि उन्होंने अपने बेशकीमती समय में से कुछ समय हमारे साथ गुजारने के हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए यहाँ पधार कर हमारा मान बढ़ाया। मैं गुजारिश करूँगा कुलभूषण जी से और ऋषि जी से कि कृपया आए और सर को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करें। आप सब तालियों के साथ सर का स्वागत करेंगे। कि मैं उस महान व्यक्तित्व के श्री चरणों में उपस्थित हूँ जिसको अपने शैशव काल से देवता की भांति पूजता आया हूँ, जो अपने हर शब्द हर वक्त में मेरे दिलो दिमाग पर छाया रहता है। पाठक सर मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आज्ञा दें कि मैं इस सभा की कार्रवाई शुरू कर सकूं। धन्यवाद। अब मैं कुछ और विशेष अतिथियों से आपका परिचय कराना चाहूंगा। हमारे बीच सुशोभित हैं श्री आशुतोष कुमार जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर हैं, जाने माने रोचक हैं। मैं निवेदन करूंगा मुबारक अली जी से कि आशुतोष कुमार जी को गुलदस्ता देकर सम्मानित करें और उन्हें नींद का आखिरी पुल और इनका अंग्रेजी उपन्यास लवर्स लाइक यू एंड आई, ये काफी चर्चा का विषय है। मैं निवेदन करूंगा कुलभूषण जी से और मनोज जी से कि वो आए और मीनाक्षी जी को गुलदस्ता विशिष्ट अतिथि हमारे साथ इस सभा में मौजूद हैं, वो आप ही के शहर के हैं, दिल्ली के भी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं। मेरा आशय है सुनील अहमद फारूकी जी से और मैं निवेदन करूंगा कि कृपया फारूकी साहब आ पाए। पिछले दो वर्षों में
शायद ही कोई ऐसा दिन गुजारा हो जिसमें कम से कम चार घंटे ई बुक पब्लिशिंग के लिए जरूरी काम करने में ना गुजारे हो। ई बुक फॉर्मेट के लिए उपन्यासों की टाइप करना, उनकी प्रूफ रीडिंग करना, किंडल, गोगो, न्यूज हंट जैसे ई बुक प्रकाशकों से व्यवसायिक वार्तालाप से लेकर उस पाठकों के सवालों का जवाब देने तक उन्होंने हर एक काम किया है और पूरी निष्ठा और लगन से किया है। आज ई बुक के रूप में पाठक सर के लगभग 150 उपन्यास अगर उपलब्ध हैं तो इसके पीछे एक अजीम शख्स की अंथक मेहनत है। उनका नाम है श्री सुधीर बड़क। और सुधीर जी को मंजर सिंह राय है उत्सव का। आज दिन है खुशी का और आज दिन है सेलिब्रेशन का, क्योंकि आज हम माननीय श्री सुरेंद्र मोहन पाठक जी के लेखन जगत में बड़ी सफलतापूर्वक तय किए गए 55 वर्षों की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। इन 55 वर्षों में पाठक सर ने 290 उपन्यास, 35 कहानियां लिखने के साथ साथ 26 जोक बुक का भी संकलन किया है। ये 55 वर्ष का सफर सीढ़ी दर सीढ़ी, मुकाम दर मुकाम तय होता आया है। मनोहर कहानियां में सन 1959 में छपी एक छोटी कहानी 57 साल पुराना आदमी से लेकर शुरू हुआ ये सफर आज 55 वर्ष, 290 उपन्यास और 35 कहानियां लिखे जाने के बाद भी अनवरत जारी है और इंशाअल्लाह सदियों तक जारी रहेगा। पाठक सर की कहानियों ने सीमाएं तोड़ी है। पाठक सर की कहानियां लुगदी से सफेद शफाफ कागज और ये सफर तय करते हुए मोबाइल टेबलेट तक के बीच आ पहुंची हैं। हमें गर्व है कि पाठक सर हिंदी भाषा के प्रथम ऐसे लेखक हैं जिनकी किताबें ई बुक के रूप में प्रकाशित हुई हैं। 2 साल पहले जब ई बुक में उनकी किताबें उपलब्ध कराने का प्रयास शुरू किया गया था तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हुई इस दौड़ती भागती दुनिया में ई बुक पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी और किस हद तक उन्हें प्रभावित करने में कामयाब होगी। आज पाठक सर की ई बुक पाठकों द्वारा हाथों हाथ ली जा रही है और लोकप्रियता के नए कीर्तिमान कर रही है। इसके बाद जो हमारा अगला चरण है उसमें मैं अपने तकनीकी सहयोगियों से निवेदन करूंगा कि JMI के स्टूडेंट्स द्वारा तैयार की गई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म चलाएं ताकि हम पाठक सर के बारे में कुछ और जान सकें। मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये डॉक्यूमेंट्री का शॉर्टर वर्जन है। मूल रूप से जो ये डॉक्यूमेंट्री है ये 45 मिनट की करीब लंबी है जिसमें एक मर्डर मिस्ट्री का समानांतर ट्रैक चलता है, पर समय को ध्यान में रखते हुए मर्डर मिस्ट्री का ट्रैक शामिल नहीं किया गया है। तो आइए JMI के स्टूडेंट द्वारा तैयार की गई ये डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। उसकी तो बुनियाद सारे वर्ल्ड ओवर नावल की एक ही है। चाहे मैं लिखूँ, चाहे जो अमेरिका में लिखे, चाहे इंग्लैंड में लिखे, जापान में लिखे, कहीं लिखे, उसकी बेसिक स्टोरी सारी दुनिया में एक ही है। तो स्टोरी ये है कि कत्ल हो गया, 5-6 लोगों को सस्पेक्ट है और भाई वैसे तो क्रिमिनेशन जो हीरो है उसमें से खास के वो कहता है भाई ए नहीं दिया, बी नहीं दिया, तो सी या डी नहीं दिया होगा। कहते बाल ऊँडा ले किसने दिया। तो क्राइम फिक्शन की बात की जाए तो क्राइम के ऊपर जो फिक्शन लिखा जा रहा है वो क्राइम फिक्शन है। तो कहीं मर्डर होगा, कहीं हत्या होगी, कहीं चोरी डकैती छिनैती होगी, कोई बलात्कार होगा, कुछ और किस्म का वायलेंस होगा और क्राइम फिक्शन उसके इर्द गिर्द होगा। तो बहुत सिंपल स्टोरी है। आज की तारीख में अगर कोई कहे क्राइम कुछ एक एक्सपीरियंस की वजह से जो लिख देते हैं वो कुछ समय बाद ऑटोमेटिक रिसर्च हो ही जाता है। पाठक साहब के नॉवेल्स से पढ़ने शुरू करे तो उनमें इतना रस आने लगा कि उसके अलावा किसी और को पढ़ने का मन ही नहीं करता था बिल्कुल भी।
धन्यवाद दोस्तों और मंदिर मंच पर उपस्थित जो हमारे विशेष अतिथिगण हैं उनको निवेदन करना चाहिए एक बार फिर एमआई के स्टूडेंट्स को बधाई कि उन्होंने इतनी खूबसूरत से उनके माध्यम से पाठक सर के विचार और अपने दोस्तों के विचार हमारे तक पहुंचाए हैं। और अभी अभी हमारे बीच न्यूजीलैंड से उनके प्रतिनिधि मिस्टर रावण पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा सुधीर जी से और विशी जी से कि उनका स्वागत करें और उन्हें मंच तक लेकर आए। मिस्टर रावण प्लीज। अपना एक शेर आपको समर्पित करना चाहता हूँ कि फकत मैं ही था तेरे जलवे से बेखबर, फकत मैं ही था तेरे जलवे से बेखबर, जिक्र जिससे भी किया वो तेरा दीवाना निकला, कि सदके जाऊं मैं तेरी सुखनवरी के, सदके जाऊं मैं तेरी सुखनवरी के, तेरा हर बोल एक तराना निकला। इस डॉक्यूमेंट्री में हम कुछ और मित्रों के, हमारे परम मित्र इसमें कुलभूषण जी हैं, उनके भी हम विचार सुन रहे थे। बड़ी दक्षता से उन्होंने जो नावल पढ़ने का काम किया, हम भी ऐसी एक कोशिश कल बस में आते आते करने लगे थे, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ी। हमारे साथ एक महानुभाव और आ रहे थे, उनके पास उनके बैग में पाठक सर के पुराने नावलों का खजाना रहता है, हम चुराना चाह कर भी नहीं चुरा सके। हमें लगता है कि आपसे कुछ गुरु और सीख के जाएंगे, आज रात हम भी आपके पास हैं। तो आइए अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। अब मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ प्रोफेसर आशुतोष कुमार जी से कि वो कृपया डायस पर आए और अपने विचारों से इस सभा को संबोधित करें। प्रोफेसर आशुतोष कुमार जी, और आप सबको सलाम। आज इस गोष्ठी महफिल में आप बड़ी खुशी हो रही है। पाठक जी हमारे भी सबसे पुराने प्रिय लेखकों में रहे हैं। मुझे याद आता है कि शायद सन 86 के आसपास जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, मेरे एक सीनियर ने, बड़ा समय होता था, खाली समय होता था, बैठे होते थे, तो एक सीनियर के साथ हमने कुछ समय बिताया था हॉस्टल ज्वाइन करने के पहले। हॉस्टल में रहा था मैंने, वहाँ पाठक जी की किताबें बहुत सी पढ़ी हुई थी। मैंने यूं ही उत्सुकतावश शायद वो किताब 10 मिनट थी जो थोड़ी देर पहले दिखाई पड़ी, 10 मिनट वो किताब मैंने उठाई और पढ़ता चला गया। एक दिन दो दिन शायद लग गया उसमें, बीच बीच में जो समय मिलता मैं पढ़ता उसको। तो मेरी जो सुदबुद्ध खोई हुई दशा थी वो देख के मेरे उन सीनियर साहब ने कहा, लगता है पाठक जी ने आपको भी उलझा दिया। और ये हकीकत थी। आमतौर पे मैं केंद्रीय साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, तो हम जासूसी उपन्यासों को, इस तरह के लोकप्रिय साहित्य को जरा नापसंदगी की नज़र से देखते थे दूर से, जो हमारी ट्रेनिंग थी। और हम कभी ये सोचते नहीं थे कि इस तरह का साहित्य पढ़ेंगे, हम सोचते थे कि इस तरह का साहित्य पढ़ेंगे तो हमारा टेस्ट खराब हो जाएगा। और ये हमारे दोस्त भी अच्छा नहीं समझेंगे कि हम इस तरह का साहित्य पढ़ते हैं। लेकिन वो था उस उपन्यास में कुछ ऐसा कि मैंने उसके बाद वही जो आप सपने महसूस किया होगा कि वो लत लग जाती है, चाट लग जाती है। और फिर हमने बहुत सारे उपन्यास पढ़े एक दौर में। हमारी भी वही दशा थी कि रोज एक किताब ढूंढ के लाना, उसको पढ़ना। और उसके बाद बाद के दौर में भी बीच बीच में जब कभी मौका मिल जाता, हाथ लग जाता, तो पाठक जी की किताब हम जरूर पढ़ते हैं। आज की गोष्ठी में आने का न्योता पाकर मुझे बड़ी खुशी हुई। एक तो हिंदी में मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है
कि एक लेखक को लेकर के, एक सक्रिय लेखक को लेकर के, जो आज भी लिख रहा है, पढ़ रहा, एक इस तरह का फैन समूह बनता है, फैन ग्रुप बनता है, इकट्ठा होता है, स्वेच्छा से इकट्ठा होता है, इसके पीछे कोई बाजार का खेल नहीं है, ये सब लोग अपने डेडिकेशन से, अपने शौक से, अपने कमिटमेंट से जुड़ते हैं और अपने लेखक को सेलिब्रेट करते हैं, उसकी पहुंच ज़्यादा बड़े समाज तक हो, सारी दुनिया तक हो, इसके लिए कोशिश करते हैं, नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, समय लगाते हैं और एक पैशन के साथ उससे जुड़ते हैं, ये एक अपने आप में बहुत ही स्वागत योग्य घटना है, भले ही वो शुरुआत हो, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम इस दौर में, अब जो दौर है जिसमें कि लोकप्रिय साहित्य भी एक संघर्ष की स्थिति में, शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकप्रिय साहित्य भी संकट में है, उसके पाठक कम हुए हैं, उसका दायरा, उसका असर भी कम हुआ है, वो जीवित है, सुरेंद्र मोहन पाठक जैसे कुछ लेखक अभी भी उसी तरह से फैशनेबल बने हुए हैं, लेकिन ये जरूर है कि आज लोगों के पास शायद पढ़ने का इतना समय भी नहीं है और शायद पढ़ने की उनकी आदत भी नहीं है। ये एक ऐसा संकट है जो केवल लोकप्रिय साहित्य के सामने नहीं है बल्कि रीडरशिप के सामने है पूरी दुनिया में। किताबें पढ़ने की जो आदत है, किताबें पढ़ने की जो संस्कृति है, उसके साथ एक पूरा जीवन मूल्य जुड़ा होता है, वो सब एक बहुत ही एक्यूट किस्म की क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। तो हमें इस रोशनी में भी इन चीजों को देखना चाहिए, कैसे हम पढ़ने की संस्कृति के सामने मौजूद संकट का मुकाबला कर सके, पढ़ने की आदतों की बढ़ा सके और उसमें इस तरह के फैन समूह बहुत कारगर भूमिका निभा सकते हैं। तीसरी बात यह कि जहां तक हिंदी साहित्य का सवाल है, हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य इसको हम कहते हैं, उस आधुनिक हिंदी साहित्य की तो शुरुआत ही लोकप्रिय साहित्य से हुई। हिंदी गद्य या हिंदी उपन्यास को जिस लेखक ने स्थापित किया उसका नाम था, आप सब जानते हैं, देवकी नंदन खत्री, जिन्होंने चंद्रकांता संतति वो उपन्यास है जो इतना मकबूल हुआ, इतना लोकप्रिय हुआ कि उस उपन्यास को पढ़ने के लिए, ये हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज है कि हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने हिंदी भाषा सीखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के सबसे प्रामाणिक क्लासिकल इतिहासकार, उन्होंने देवकी नंदन खत्री के चंद्रकांता संतति उपन्यास का उल्लेख किया है उस बात के लिए कि ये वो लेखक है जिसके चलते लोगों ने हिंदी सीखा। आज हमें ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन आप याद रखिए कि ये वो दौर था जब हिंदी आमतौर पर लिखने पढ़ने की भाषा नहीं थी। देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी वो लिखने पढ़ने की भाषा उस जमाने में नहीं थी, उस जमाने में वो फारसी थी या उर्दू थी। जितने बड़े हमारे प्रकाशक थे वो उर्दू की किताबें छापते थे, उर्दू की पत्रिकाएं छपती थी, उर्दू में खूब लिखा पढ़ा जाता था और साहित्य से, अदब से, संस्कृति से परिचित होने का मतलब ही होता था कि आप उर्दूदा होंगे, आप फारसी जानेंगे, उर्दू जानेंगे। हिंदी तो अभी जन्म ले रही थी, वो अपनी सांसें संभाल रही थी, अपने वजूद का संघर्ष उसने शुरू किया था। और अगर उसको देवकी नंदन खत्री जैसा उपन्यासकार नहीं मिलता तो वो शायद इतनी बड़ी व्यापक जनभाषा नहीं बन पाती जो वो बाद में बनी। देवकी नंदन खत्री नहीं होते तो शायद प्रेमचंद भी नहीं होते। प्रेमचंद भी पहले आप जानते ही होंगे कि उर्दू के लेखक थे, उर्दू के उपन्यासकार थे और बहुत मकबूल थे। बाद में उन्होंने महसूस किया कि उर्दू में फारसी लिपि की वजह से फिर भी मैं एक बहुत छोटे से दायरे में हूँ, पढ़े लिखे दायरे में ही हूँ,
आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, तो आम लोगों तक पहुंचने के लिए उन्होंने हिंदी देवनागरी लिपि अपनाई, लेकिन उसको साहित्यिक अस्तित्व प्रदान किया चंद्रकांता संतति ने, देवकीनंदन खत्री ने, और बाद में बहुत सारे लोग हुए, गोपाल राम गहमरी हुए, किशोरी दास वाजपेयी हुए, जिन्होंने की जासूसी और इस तरह के उपन्यासों की एक लंबी श्रृंखला लिखी। एक लंबे समय तक ऐसे उपन्यासकारों को केवल मनोरंजन का लेखक मानकर टाल देने की एक परंपरा चली आ रही थी, और वो परंपरा इतनी गहरी है कि आज तक उसका असर है। इसलिए आज तक गंभीर साहित्य के विद्यार्थी और आलोचक लोकप्रिय साहित्य को, जासूसी और तिरस्मी उपन्यासों को विचार करने लायक ही नहीं समझते। लेकिन खुशी की बात यह है कि यह स्थिति पिछले 15-20 वर्षों में बदली है, और हिंदी के बहुत से गंभीर आलोचकों ने यह महसूस किया है कि तिलस्मी और जासूसी साहित्य के साथ शायद हिंदी साहित्य ने न्याय नहीं किया, क्योंकि ये जो साहित्य था वो केवल मनोरंजन का साहित्य नहीं, बल्कि उस साहित्य में उस समय की कुछ ऐसी सच्चाइयां दर्ज है, उस जमाने की एक ऐसी तस्वीर दर्ज है जो शायद दूसरे किस्म के साहित्य की पकड़ से छूट गया। राजेंद्र यादव ने, प्रदीप सक्सेना ने तिलस्मी साहित्य पे बहुत गंभीरता से काम किया, और उन्होंने दिखाया कि ये असल में जो तिलस्मी साहित्य था देवकीनंदन खत्री का, वो पूरी तो एक पश्चिमी सभ्यता आ रही थी अंग्रेजों के साथ, उपनिवेशवाद के साथ, उनका जो ज्ञान विज्ञान का पूरा दावा था, उस दावे के बरक्स, उस दावे के आमने सामने खड़े होकर भारतीय परंपरा के भीतर से, भारतीय ज्ञान परंपराओं के भीतर से हम उनको चुनौती दे सकते हैं, ये दिखाने की भी एक कोशिश थी। यानी देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों में कोई जादू नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, सारी चमत्कारी घटनाएं जो उसमें घटती हैं उस सब का वैज्ञानिक आधार मौजूद है, और देवकीनंदन खत्री उस समय तक के सारे वैज्ञानिक आविष्कारों से परिचित थे, सारे विज्ञानों से परिचित थे, उसका उपयोग करके उन्होंने ऐसी चमत्कारपूर्ण घटनाएं कल्पित की कि लोग चमत्कृत रह गए। तो ये कल्पना संभव है, ये हम भी कर सकते हैं, एक तो ये, और दूसरा ये कि वो जो पूरा एक गिरता हुआ सामंती समाज था, वो जो राजा राजाओं का जो समय था, जो नष्ट हो रहे थे, जो जा रहे थे, उनके जीवन के भीतर की तस्वीरें भी इसके माध्यम से, वो जो जासूसी, जो राजमहल के भीतर की राजनीति है, जो सियासत है, उसकी इतनी सुंदर, इतनी अच्छी तस्वीर, इतनी स्पष्ट तस्वीर मिलती है जो हमें मुख्य धारा के साहित्य से मिलती है। ये सारी चीजें आप आज सुरेंद्र मोहन पाठक के उपन्यास में देखते हैं। सुरेंद्र मोहन पाठक के उपन्यास को जो चीज खास बनाती है, और जो दूसरे, जो बहुत सारे जासूसी या अपराध साहित्य के लेखक, उनसे उनको अलग करती है, डिस्टिंक्ट जो इनकी जगह बनती है, उसकी वजह यह है कि इनके उपन्यास केवल मर्डर मिस्ट्री इस अर्थ में नहीं है कि वो सिर्फ एक घटना हुई, एक हत्या हुई, एक कत्ल हुआ, और उसके चार पांच जो संदिग्ध हैं उनकी तलाश करनी है, बल्कि उस घटना के इर्द गिर्द का जो परिवेश है, वो घटना क्यों घटती है। मैंने महसूस किया है कि इनके उपन्यासों में आज का जो पूंजीवाद है, जो एक विकट किस्म का लालच पैदा करता है, जो अपराध का मूल कारण है, वो पूरा तंत्र, वो पूरा बाजार, वो पूरा कारोबार किस तरह से काम करता है, वो लालच कहां ले जाता है, इसकी शिनाख्त इनकी बहुत सारी किताबों से बड़ी आसानी से की जा सकती है।
तो आप केवल उस घटनाक्रम की नाटकीयता को न देखें और उसकी पृष्ठभूमि की नजर डालें। तो हर 10 करोड़ का युद्धा हो या कोई दूसरा उपन्यास हो, उसमें वो जो लालच है पैसे का, जो एक खास तरह की हमारी आज की सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति की अपनी विशेषता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे भ्रष्टाचार, पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार, समाज में भ्रष्टाचार का एक मूल्य बन जाना, ये इनके उपन्यासों में अनेक घटनाओं में, अनेक चरित्रों में ये दिखाई पड़ता है। किस तरह से ये चीज जो कि एक मूल्य बन गया, मान लिया गया सभी भ्रष्ट होंगे, ये अपने तरह से जुड़ा हुआ है कि वो उन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा गर्व महसूस करे, या वो किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरी जात, किसी दूसरे संप्रदाय, किसी दूसरी भाषा के प्रति किसी किस्म का भेदभाव, किसी किस्म की एक अपमानजनक स्थिति उसमें आ सके। जब आप पढ़ते हैं तो आप इस तरह के तमाम भेदभाव से अलग हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, एक बहुत ही डेमोक्रेटिक और सेकुलर माहौल आपको उनके उपन्यासों में मिलता है। स्त्री का जो चित्रण है उसके बारे में थोड़ी सी बात अभी हुई, मैं उस बात सहमत हूँ, उसको कुछ ज़्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं है। सेक्स का जो तड़का लगाते हैं पाठक जी, उसके बारे में वो खुद ही कह चुके हैं, लिख चुके हैं कि ये एक जरूरत है, पाठकों की जरूरत है, मांग है, और वो तड़के की तरह ही जो उपन्यास सुनाता है कभी भी वो उसकी मुख्य थीम नहीं होती। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इनकी भाषा थोड़ा वैरायटी की कमी लगती है, वो वैरायटी अगर और बढ़े तो वो ज़्यादा दिलचस्प हो सकती है। और सबसे ज़्यादा मैं मुरीद हूँ पाठक जी की उन चिट्ठियों का जो अपने पाठकों के लिए लिखता हूँ। शायद पहली बार किसी ने किया कि अपने किताबों में, अपने उपन्यासों में सीधे पाठकों को संबोधित करना। कई बार ये होता है कि मैं बुक स्टॉल पर खड़ा होता हूँ, किताब नहीं भी पढ़ता, नहीं भी खरीदता, तो भी पाठक जी की किताब में दिख जाती है तो वो चिट्ठी में जरूर पढ़ लेता हूँ उन्होंने लिखा क्या, और वो चिट्ठी अपने आप में एक लेखक के बेहद डेमोक्रेटिक होने के, बेहद जमहूरी पसंद होने, और कभी भी अपने को किसी बहुत बड़े सुपरस्टार की तरह पोज नहीं किया, किसी मसीहा की तरह पोज नहीं किया, बल्कि हमेशा हमारे बीच के ही एक इंसान के रूप में पेश किया। इस तरह से वो जीवंत रिश्ता बनाया इनका इतने बड़े पाठक समुदाय का। तो मैं आप लोगों के काम की बड़ी सराहना करता हूँ और चाहता हूँ कि और फले फूले आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया। एक बार भी तो आनंद आ जाता है। पाठक साहब भी पंजाबी हैं और इनके इसी के कारण इनकी पंजाबी के ऊपर अच्छी पकड़ है। मैं खुद पंजाबी हूँ और मैं इस बात के लिए पाठक साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने पंजाबी को पूरे देश की विदेश की भाषा बनाया है। इससे पहले कि मैं अगले वक्त तक मंत्री चलूँ, मैं एक नम्र निवेदन, बहुत ही नम्र निवेदन, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेवारी है टाइम को मैनेज करने की, कि कृपया अपना भाषण 2 मिनट दूसरी बात अगर पाठक सर पर ही केंद्रित हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो कहा वो परफेक्ट। मैं 2 मिनट के लिए ही तो मैं मीनाक्षी हार्पर कॉलिंस की तरफ से आई हूँ, और जब मैं बड़ी हो रही थी तो हमारे घर में पाठक जी की कुछ किताबें थी और मैं उनको पढ़ के सोचती थी कि इस आदमी से एक दिन मैं मिलूंगी तब ये कैसे दिखते होंगे, क्योंकि मैं जिस दिन बड़ी हो जाऊंगी तब वो कैसे दिखते होंगे, मैं ज़रूर मिलूंगी उनसे एक दिन। तो मैं दिल्ली आई, फिर हार्पर कॉलिंस, पहले कहीं और काम किया, फिर हार्पर कॉलिंस में आई, और फिर हार्पर कॉलिंस मूलतः अंग्रेजी किताबें छापता है, और फिर हमने ये फैसला किया कि हम छोटी सी एक हिंदी लिस्ट रखेंगे, 15 किताबें हर साल करेंगे। तो जब हम सोच रहे थे कि पहले किन को अप्रोच करें, हम किन को सबसे पहले छापना चाहिए, तो हमने किसी लिटरेरी राइटर का नाम नहीं सोचा था, हमने सोचा था कि सबसे पहले हम
सुरेंद्र मोहन पाठक के पास, इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में ये मैं रीडर थी, एडिटर तो बाद में कोई बनता है, मैं पाठक थी, तो पाठक के स्तर पे मेरे दिमाग में ये फर्क नहीं था कि लिटरेरी फिक्शन है और पल्प फिक्शन है. मेरे लिए फिक्शन था जो ग्रेट स्टोरी है, जबरदस्त कहानी होनी चाहिए, वो लिटरेरी है या पल्प है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता था. तो फिर उस वक्त हम इतने सफ़ी की किताबें, 15 किताबें हमने हिंदी में छापी थी, और मैं उनके कवर्स लेके पाठक जी के पास पहुंची 5-6 साल पहले, क्योंकि मुझे लगा कि पाठक जी को इसके कवर के लिए 1-4 लाइनें देनी चाहिए, क्योंकि और कौन इब्ने सफ़ी के बारे में आज बात कर सकता है. तब पाठक जी ने कहा था कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, मुझे छापना तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम ये कर ले जाओ कि इब्ने सफ़ी मेरे गुरु थे. ये बात सच है, बहुत गुरुओं में सबसे बड़े क्राइम फिक्शन राइटर थे अपने वक्त के वो. तो फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा तो देखेंगे. तो फिर पाठक, ये हमारी खुशकिस्मती है कि पाठक जी ने हमें एक मेल लिखा करीब डेढ़ साल पहले, और फिर हमने उनकी जो हमारी पहली किताब थी कोलाबा कॉन्स्पिरेसी, और ऐसा पागलपन मैंने पहली बार देखा कि जो आप लोगों की दीवानगी है उसके लिए, और जो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ. और अब अगले महीने हम तीसरी किताब छापने जा रहे हैं, गोवा बनाता, और उसकी अभी मैं प्रूफ देख रही थी, और उस प्रूफ में संपादकीय में जो आशुतोष जी ने कहा, मैंने किसी लेखक को ये लिखते हुए नहीं देखा है कि पिछली किताब में कुछ चीज़ें बाकी रह गई, शायद किताब और अच्छी होनी चाहिए थी. ये खुद से कोई लेखक या कोई पेंटर या कोई फिल्म मेकर कहे, ये बहुत बड़ी बात है. मुझे उसमें बहुत हिम्मत और बहुत बड़ा दिल चाहिए ये एक्सेप्ट करने के लिए. तो पाठक जी, यहाँ कोई पब्लिशर और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, यहाँ सब आपके फैन हैं, सब परस्तार हैं, और मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. मीनाक्षी जी, आपका हार्दिक धन्यवाद मेरी तरफ से कि आपने मुझे मान रखने की पूरी कोशिश की है, उसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुई है. तो जैसे कि मैं कह रहा था कि पाठक सर ने बहुत से पंजाबी पात्रों की रचना की है और पंजाबी में उनके डायलॉग होते हैं. इसके साथ साथ मैं एक और तथ्य भी आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ कि पाठक सर के द्वारा हिंदी के कुछ विशुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाना जो है वो भी हमारे मन को छू लेता है. कुछ शब्द ऐसे हैं खुद जो मैंने सर्वप्रथम पाठक सर की कलम से निकलने के बाद ही पढ़े हैं, किंग कर्तव्य विमूल, अपनी हारे, और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं. और पाठक सर जो हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, इन चार भाषाओं की कविता और आप प्रस्तुत करते हैं उसे वो तो अप्रतिम है. आपके भाषा ज्ञान को मेरा सादर नमन, और आप मुझसे सहमत हो तो ताली बजाकर आपके भाषा के अलावा जो आपके उपन्यासों में आपके किरदारों के माध्यम से आप बेहद उम्दा शायरी प्रस्तुत करते हैं उससे भी हम बहुत ज़्यादा विभूत होते हैं, और इतनी खूबी से इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो उस किरदार की अपनी खुद की भावनाएं ही प्रतीत होती हैं. आपके लोकप्रिय किरदार सुरेंद्र सिंह सोहल, जो विमल के नाम से भी जाना जाता है, उसका एक उसके जुबान से जो शेर निकलता है कि कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, कुछ जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, या जैसे सुनील कहता है कि खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, कमानों को न तलवार निकालो जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, ऐसे बहुत आनंदित करते हैं. और हमारे साथ साथ सुहेब साहब को भी आनंदित करते हैं. मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सुहेब अहमद फारूकी जी कृपया अपने विचारों से हमें अवगत कराएं. सुहेब साहब उनके सामने बैठे, और मेरे ख्याल में ये मौसम की भी बहुत अच्छी बात है, मौसम खुल गया सर, सुबह आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, एक केस अभी ओपन पड़ा है सर. तो ये क्या करूँ, आप लोगों की मेहरबानी है, मैं एक निदा फाजिल साहब का शेर कर रहा हूँ सर, कि और जैसा होकर भी पाई सर तुम बस्ती में,
कुछ लोगों का सीधापन है, कुछ अपनी अज्ञानी मैं ये समझ नहीं पा रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। और 2 मिनट की पाबंदी भी है परमा जी, तो जहाँ आप बोर होने लगे मुझे रोक देना। आपको रोक के जो इसके पीछे जो ग्रुप की मेहनत है वो शरद जी की है, बड़क साहब की है, विशेष सिन्हा साहब की है, बाकी कुलभूषण जी तो है ही है। और मेरी पाठक साहब से वाकफियत वेद प्रकाश शर्मा साहब, एक से ही पॉपुलर राइटर हैं, मिस्ट्री राइटर और हैं। उनके जब नावल उस किताब की दुकान पर खत्म हो गए थे किराए की लाइब्रेरी पर, तो उसने जब मेरी उम्र मेरे ख्याल में 16-17 साल की होगी, तो कह यार ये पाठक को पढ़ के देख भाई। अरे यार मैं तो पढ़ता नहीं, वेद प्रकाश शर्मा ही सारे सुपर हीरो थे, विकास थे, विक्रांत थे। साहब का नावल था पीला गुलाब शायद टाइटल है, तो उसने वो दिया, उसके बाद मैं सबको भूल गया और पाठक साहब अमृत हो गया। नहीं नहीं एक चीज हमने सब में कॉमन है, वो पाठक है, नाम के अलावा सब पढ़ने वाले ही हैं। पाठक साहब को पढ़ रहे हैं या किसी चीज को पढ़ रहे हैं। और जहां तक ये है कि भाई ये लुप्ति साहित्य है, पल्प है या थोड़ा सा स्टैंडर्ड से नीचे है, अब जैसे इतने सभी साहब थे, मरने के बाद कदर है या पहले कदर है या अब कदर है, लेकिन वो लिटरेरी है। अब जैसे साहब का यूँ क्या है कि जो एक लिटरेरी किताब होती है वो अखबार में मतलब उसमें लाइब्रेरी में सजाने के लिए होती है, बाकी पढ़ते नहीं है उसको। सरकारी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं या जो भी है, वो 10,000 के बल्क में सजा देंगे। जैसे किसी वकील के ऑफिस में जाइए आप, तो सारे जनरल मिलेंगे, बाकायदा उसमें आप देख लेना कि उसकी जो कवर की पन्नी होती है वो भी नहीं उठतेगी, तो वो लिटरेरी साहित्य है। जबकि लुप्ति साहित्य जो है जितने हाथ में जाएगा पढ़ा जाएगा उस पर खाने पीने निशान कॉपी पेंसिल सारे आ जाएंगे। शादी के बाद जो पहला क्या बोलते हैं उसको जो भी बोलते हैं तो मैं पाठक साहब का नावल का नाम याद रहता था, उसमें घूमता, बीवी साथ में बैठी हुई थी 2 दिन वाली, साथ में जो आंटी आई थी उनको बड़ा इतराज हुआ, तुम्हारे साथ है क्या ये? बोला हाँ है, तो मेरे साथ ही। बोला भाई इस पे ध्यान दो, जिंदगी भर इसी पे ध्यान देना है आपको, मैं इसमें देख लू कौन पढ़ रहा है। बातें हैं, जब मैं 93 में दिल्ली में आया तो मैं मास्टर हुआ जी एमसीडी में प्राइमरी टीचर। साहब का पता क्या, उस टाइम फोन ऐसे पॉपुलर नहीं थे, लेकिन साहब के उस पर एड्रेस छपता था कृष्णा नगर का, वहाँ एक चिट्ठी भेजी कि मैं मिलना चाहता हूँ, बोला आ जाइए। एच 3/4 है ना, 2/4 है। और वहाँ हिम्मत नहीं होगा, मैं सर यहाँ आ सकता हूँ जहाँ आपका ऑफिस है वहाँ बताइए। तो ITI एक इंडियन टेलीफोन डिस्ट्री करके दरियागंज में, अब तो मल्टी स्टोरी पब्लिशर्स का अगर ख्याल में हक हो गया है, अब वो जो पुरानी 93 या 94 वाली याद है वो मिलती नहीं है। तो साहब का ऑफिस उसमें फर्स्ट फ्लोर पे होता था, वहाँ मिले, मैं गया था, पता नहीं मिलेंगे पाठक साहब, नहीं मिलेंगे भला देंगे क्या करेंगे। मुझे 1.5 घंटे कम से कम 10 बार बिठाया और उस टाइम एक किताब नहीं आई थी उसको दिया रखो, फिर मैं नीचे उतर गया, फिर वापस आया, बोला इसमें पता तो चले कि आपने ओरिजिनल लिए या नहीं, मैं जब दिखाऊंगा दोस्तों को तो बाजार से उठा लाया। साहब ने उसको फिर सप्रेम सुहैब अहमद करके वो दिए, मेरे पास अभी भी रखी है। उसके बाद फिर सिलसिला का पहचान में मैंने पुलिस ज्वाइन कर ली, फिर साहब का शौक ज्यादा हो गया, ज्यादा बातें शेयर होने लगी, फिर साहब के घर आना जाना हो गया। फिर मैं अपने फैमिली को लेके गया, तो मुझे अभी तक याद है वाइफ का घर गया था, गुड़िया रानी तुम लकी हो कि तुम्हें इस जैसा लड़का मिला है, तो मेरी कदर घर में पड़ गई हो। आपकी बात है। और साहब का किरदार पुलिस इंस्पेक्टर से विक्रम सिंह का जिक्र किया था, ये विक्रम सिंह आइडियल डायरेक्टर है, मैं बनना चाहता था यशवंत राव अष्टेकर, सुना हुआ आपने, कागज के नाव है, इसमें बहुत बढ़िया डायलॉग है, जुर्म में कागज की नाव है, जो ज्यादा देर तक और ज्यादा दूर तक नहीं चलती, वो लागू होना चाहिए समाज में।
हर पुलिस तो एक फायरवॉल है ही समाज की, तो सबसे पहले जोर सिस्टम में बड़ा सा फायरवॉल ही झेलती है, इसलिए क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपके काम पुलिस ही आती है। पुलिस 24 घंटे काम करने वाला महकमा है, टोटली थैंकलेस है। लेकिन ये है कि क्या करा जाए कि जो सिस्टम है अंग्रेजों ने दिया, हम उसको अभी भी उसको ढोते जा रहे हैं। अच्छा 2 मिनट हो गए सर, पाठक साहब का ग्रुप हमने औरपुट पे बनाया था, मेरे ख्याल में 2006 की बात है। तो जब सबसे पहले कुलभूषण जी का, राकेश वर्मा जी के फोटो वो अभी तक जहन में आ रहे हैं, जैसे उठते थे। इसके बाद फेसबुक ने औरपुट को रिप्लेस कर दिया। फेसबुक ऐसी है जैसे ओपन हो गया, तो उसमें हम रिलेक्टेंट से रहते हैं, ज्वाइन करें, लेकिन औरपुट को पीछे छोड़ दिया गया। फिर फेसबुक पर अब इतनी कम्युनिटीज हैं, 2 ग्रुप हैं आपके, अब मुझे ये नहीं पता चलता कि लेजेंड कौन सा है, नॉन लेजेंड कौन सा है। हमारे लिए तो लेजेंड पाठक साहब है। अरे यहाँ आने से पहले मुझे मालूम नहीं था कि मुझे इतनी इज्जत बख्शी जाएगी। आना सार्थक हो गया। बाकी गुस्ताखी माफ है, थोड़े बहुत कुछ बातें भी गलत कह गई, उसकी माफ करिए। थैंक यू। धन्यवाद सुरेश साहब, और बड़ी हैरानी की बात है आपको और कुछ की मेरी फोटो याद है। शुक्र है मैं दिल्ली में नहीं हूँ, पंजाब में हूँ। अगर मेरे से कुछ चलान वलान वाला काम हो जाए तो आप तो मुझे जब से पकड़ लोगे। खैर बात तो फिर बढ़ते हैं कि जैसे पाठक सर के उपन्यासों में मानवीय भावनाओं का ठीक चित्रण होता है, अभी आप देख रहे थे पाठक सर को कितने इमोशनल है, और कदम कदम पर बिखरी दार्शनिकता से भी आप लाभान्वित होते रहते हैं। इनके उपन्यासों के किरदार हमें संकेतिक रूप से सीख देते हैं कि जीवन के अनिश्चित प्रयास में होने वाली अलग अलग परिस्थितियों से मुठभेड़ को कैसे हैंडल किया जाए। बोधिल अडंबरपूर्ण शब्दों का प्रपंच नहीं रचा जाता पाठक साहब द्वारा, और उनकी सरल भाषा में कभी कभी तो महज एक लाइन ही हमें जीवन की उन सच्चाइयों से अवगत करा देती है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। जैसे अभी आपने हालिया उपन्यास जो पीछे डिस्प्ले भी हो रहा है, लड़े दिन के हेत, विनु जो ये कहता है कि आदमी का बच्चा किसी के काम ना आया तो किस काम का, ऐसे पाठक सर के पात्रों का गठन भी बहुत अद्भुत होता है। कुछ ऐसे स्थायी पात्र हैं जो हमारे मनोमस्तिष्क पर पूरी तरह छाए हुए हैं, और ऐसे छाए हुए हैं कि हमें लगता है कि वास्तव में वो इस संसार में है। तो उनका रहन सहन, उनका अंदाजे बयान, वो सब हमें हकीकत जान पड़ता है, और गाये बगाए हम उन पात्रों को जो चरित्र है उनका उनका समावेशन अपनी जीवन शैली में करने की कोशिश करते रहते हैं। अब वो चाहे स्मार्ट आप हो या पैक पैक खेलने की बात, तो उदाहरण के लिए हमारे शरद जी हैं, ये सुनील का अनुकरण करते हैं, और कुलभूषण जी हैं, मैम हूँ, ये हम रमाकांत बनने की कोशिश करते हैं। तो यकीन जानिए जब भी ये मित्र मंडली इकट्ठी होती है तो आपके उपन्यास पढ़कर जो हमने स्मार्ट आग सीखी हुई है वो पूरे जलाल पर होती है। इस स्मार्ट आग को प्रकाशित करके हमारे तक पहुंचाने वाली संस्थाओं में से एक अग्रणी संस्था है डायमंड पॉकेट बुक्स, उन्हीं के प्रतिनिधि नरेंद्र वर्मा जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा नरेंद्र वर्मा जी से कि कृपया वो मंच पर आए और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। नरेंद्र धन्यवाद। आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व मैंने डायमंड पॉकेट बुक का उस समय बैंक के पास गया और मैंने कहा कि मैं आपका उपन्यास छापना चाहता हूँ। तो काफ़ी बातचीत के बाद यह तय हुआ कि हाँ मैं आपको रेगुलर उपन्यास दूँगा, क्योंकि पाठक जी का उपन्यास इसलिए छापना चाहता था क्योंकि मैं बिहार, यूपी, राजस्थान, पंजाब, गुजरात सब जगह अच्छी तरह से घूमा था, जहाँ बाकी लेखकों के उपन्यास हम छापते थे जिनमें शर्मिंदा जी भी थे, तो उनकी मांग थी कि आप पाठक जी का उपन्यास क्यों नहीं छापते। मैंने कहा कि मैं उनके पास जाऊँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे वो उपन्यास दें, और मुझे याद है कि एक आम पाठक से लेकर नवभारत टाइम्स के एडिटर अक्षय कुमार जैन तक, ये अपना अक्षय कुमार जैन जी का मेरे कई बार फोन आया कि मैं सारा दिन न्यूज़पेपर्स के आपाधापी में थक जाता हूँ, शाम को मुझे पढ़ने के लिए पाठक जी का एक उपन्यास भेजो।
और मैं उनके पास वो उपन्यास भेजा करता था नॉर्मली, जो भी नया उपन्यास आता था वो उसको बहुत शौकीन से पढ़ते, शौक से पढ़ते थे। पाठक जी के उपन्यासों में सबसे बड़ी जो खास चीज है कि आम पाठक से लेकर एक बहुत बड़ा पत्रकार भी उसको उसी आदर और स्नेह के साथ पढ़ता है, और उस आदर और स्नेह के लिए मैं उन सब पाठकों का धन्यवाद करता हूँ जो पाठक जी के साथ आज भी स्नेह बनाए हुए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रह्मा जी। मित्र, जमाना बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अंतरजाल यानी इंटरनेट एक ऐसा जरिया बनकर उभरा है जिसके बिना अब जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। इसका प्रभाव देखिए कि खुद को तरंगवादी की संज्ञा देने वाले हमारे पाठक सर भी इससे छूटे नहीं रहे हैं। आज मोबाइल का जमाना है, टेबलेट का जमाना है, और तेज रफ्तारी का आलम ऐसा है जनाब कि उन्हें किताब पढ़ने के लिए समय और स्थान मिलना शुरू होता जा रहा है। तो क्यों ना जमाने के साथ कदम मिलाया जाए और ई बुक को अपनाया जाए। पाठक सर, आप एक मुहावरे का अपने आलेखों में अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि मुंडे मुंडे पर पिन्ना। अब ई बुक पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन खुश कर देने वाली खबर यह है कि पाठक सर हिंदी में लिखने वाले पहले ऐसे लेखक हैं जिनकी किताबें ई बुक के इस व्यवसाय को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास न्यूज हंट से मिस्टर रावण है, और मैं अभी निवेदन करूंगा रावण जी से कि कृपया वो मंच पर आएं और अपने विचार हमारे समक्ष रखें। रावण जी, प्लीज। Hugely popular, ardent fan and family of SMPG. आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है कि आप सह पाओगे। I'll probably stick to English itself. So 12 months back when Newsant started off Newsant e-books, though we've been in the business of newspapers for quite some time, we had the same vision of what is being discussed right now. To take Indian / regional languages to every nook and corner of India, right? Like the second last slide said that people are moving away to, you know, short English reads. We wanted to get back the love for reading your regional language back among users, and what better way than to raise it on mobile? Because we have our activities in mobile for the last 7-8 years of our business, right? So in fact, the first anchor author for Newsant was SMPG across all languages, and if today we're able to sell across 12 languages, it's largely because of SMPG, because we used to go down to all authors and publishers and quote SMPG's name, right? In fact, we're deeply indebted to you because way back in 2013 when we met you, we were a very small company. We didn't know, we had no background on e-books, but I think you reposed faith on us and gave us patronage. I think you were the first author to give us a e-books to go live on Hindi at least. And we used SMPG's name down south to quote saying that SMPG is a non-e-books, please come on to us. Right? I think the power of SMPG is extremely overwhelming, and though I've been to a couple of other book launches down south and even in Maharashtra, but this kind of fervor I've not seen in among any author's fans, but trust me. And for us also it's a matter of pride that SMPG is finally consented to to write a novel to be exclusively launched in Newsant. And we thank you very much, sir. And I thank all the ardent fans, because for us you're a big word of mouth for Newsant on the forum. And pardon me because I'm out of Facebook right now, so I won't be responding too much, but we want to put somebody specifically in our team to handle all the Facebook queries, and then probably then we'll be able to handle all your queries on that. Thank you very much for the support. ये इनकी तरफ से कोई एक प्रेजेंटेशन भी शायद होनी है।
जैसा कि आपने मुझे ने न्यूजेंट के बारे में बताया, मैं भी न्यूजेंट से ही हूँ और एक बहुत ही कम समय में आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ जिसमें आपको न्यूजेंट के बारे में हमने क्या किया है, कम समय में क्या क्या किया है, और अगर कोई आप में से ऐसे कोई हैं जो उन्होंने अभी तक न्यूजेंट का इस्तेमाल नहीं किया है, नहीं जानते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसका ध्यान देंगे। जो खासकर जब हम लोग पाठक साहब की एक एक्सक्लूसिव ई बुक जो कि न्यूजेंट पर अवेलेबल होगी, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा कोई सवाल होंगे तो ज़रूर मैं उसका जवाब दूंगा, पर बहुत ही शॉर्ट में मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा। न्यूजेंट जो है मोबाइल ऐप है और फ्री मोबाइल ऐप है, इसमें हमारे पास न्यूज़ हैं और ई बुक्स हैं। न्यूज़ हमारे पास जैसा कि रावण ने भी आपको बताया था और जैसे आप देख भी सकते हैं 12 भाषाओं में हमारे पास 100 से ऊपर अखबार और कम से कम 25,000 से ऊपर आर्टिकल्स डेली अपलोड होते हैं, अपडेट होते हैं। नोटिफिकेशन के थ्रू जो भी अपनी खुद की भाषा आप न्यूजेंट ऐप पर आके हिंदी अंग्रेजी या जो भी भाषाएं आपकी प्रिफर्ड भाषाएं हैं वो चुन सकते हैं, उन्हीं भाषाओं में आपको न्यूज़ वगैरह हम लोग नोटिफिकेशन से हेडलाइंस वगैरह सब आपको अब तक पहुँचाते हैं। एक थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं, 15,000 से ऊपर जो सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ है न्यूजेंट पर, वो जो जितनी भी भाषाएं हैं उसमें सारी अच्छा कंटेंट, उधर का लिटरेचर या कितनी भी जॉनर्स हमारे पास, फिक्शन, चिल्ड्रन, सेल्फ हेल्प, स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारी कैटेगरीज में सारे बड़े पब्लिशर्स की हर भाषा में किताब उपलब्ध है। वो आप उसका डिस्क्रिप्शन भी उनकी उसी भाषा में पढ़ सकते हैं, किताब का नाम भी उसी भाषा में पढ़ सकते हैं। इससे पहले कि थोड़ा आपको उसके बारे में और बताऊँ, मैं जब आप कोई किताब खरीदते हैं हम लोगों ने उसको इतना यूज़र फ्रेंडली किया हुआ है और जो उसकी ईज़ आपको सबसे बढ़िया मिलेगी, मोबाइल पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आपको पेमेंट करने पर आती है, आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं, वो शायद इतना कन्वीनियंट नहीं होगा जो आप मोबाइल ऐप पर यूज़ करते हैं। जैसे आप देखते भी होंगे कई बैंक वगैरह की ऐप होती हैं जो कि उनके इंटरनेट वाली वेबसाइट से काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है। उसी के लिए हमारे पास एक मोबाइल ऑपरेटर बिलिंग है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी किताब खरीदने के लिए पेमेंट कर सकते हैं, पोस्ट पेड हो चाहे प्रीपेड हो, वो आपके बिल में एडजस्ट हो जाएगा और ये सिर्फ एक स्टेप के अंदर आप पेमेंट करके किताब डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक छोटा सा कोलाज आपको दिखाया था मेरे ख्याल में, जिसमें हमारे होम पेज हैं, कैसे किताबें दिखती हैं, कैसे हम प्रमोट करते हैं, कैसा आपको दिखेगा ऐप के ऊपर जब कोई किताब आप देखेंगे या लिस्टिंग देखेंगे या बैनर्स देखेंगे। अभी तक 55 मिलियन डाउनलोड्स हमारे ऐप के हो चुके हैं और 2.5 मिलियन पेज व्यूज हमारे महीने में हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये एक थोड़ा सा आइडिया था कि कितने घंटे जो यूज़र्स होते हैं वो अपने गुजारते हैं, चाहे वो वेबसाइट हो या ऐप हो, उस पर आप देखिए न्यूज़ हैंड हमारा सबसे अभी टॉप पर जा रहा है, इतने घंटे पूरे मंथली उसका एक रिव्यू है। इसमें जो चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी रहती हैं, जैसे आप किसी ऐप पर बिल्कुल आपको वैसे ही फील देने की हमने पूरी कोशिश की है जो आप एक किताब हाथ में लेके पढ़ते हैं। इस किताब कोई भी पेज आपको इतना अपने अपने हिसाब से आप अपने मोबाइल फ़ोन पर उसका बैकग्राउंड हमारी ऐप पर चेंज कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से, और कहीं ना कहीं आप बुकमार्क कर सकते हैं और उसमें नोट्स भी डाल सकते हैं। अगर आप कोई पेज पर तीसरे पेज पर आपको कोई काम है आप छोड़ सकते हैं, उसको बुकमार्क कीजिए और वहाँ पर अपना नोट्स भी डालिए जो क्या वो करना है। तो उस तरह का एक छोटा सा हमने बताया हुआ है कि कितना हम लोगों ने इसको फ्रेंडली बनाया। ये कुछ कस्टमर रिव्यूज़ हमने उठाए थे जो गूगल प्ले पर हमारे ऐप को लेकर लोगों ने दिए हैं, ज़्यादातर तारीफें हैं और काफ़ी अच्छे और बहुत जेन्युइन लोगों के रिव्यूज़ हैं जिन्होंने इसको सच में बहुत अपने लिए महत्वपूर्ण या अच्छा पाया है। मैं बस जल्दी जल्दी इसको जो क्योंकि इतना सब पढ़ने का टाइम नहीं होगा, पर कुछ पब्लिशर्स ने हमारे बारे में कुछ अपने आप लिखा था तो उसके हमने ये दिल्ली प्रेस के आनंद नाथ जी हैं जो डायरेक्टर हैं, श्री राजशाह अग्रवाल हैं उन्होंने हिंदी साहित्य के डायरेक्टर, पीयूष जी हैं प्रभात प्रकाशन के, इन्होंने अपने हिसाब से जो भी ऐप पर उनकी किताबों के लेकर उन्होंने पाया है उसके बारे में उन्होंने कुछ लिखा हुआ था। ये कुछ न्यूज़ कवरेज हुई थी, हालांकि अभी हमने सर देख ही लिया, इसमें काफ़ी सारे न्यूज़ कवरेज हैं, पर ये एक न्यूज़ कवरेज हुई थी जो अनंतनाथ जी ने खुद लिखा था अपने उनका इंटरव्यू हुआ था। अब इसमें जो नंबर्स के बारे में कम बोलते हुए मैं ज़रूर बोलूँगा कि हम लोगों का जो असली स्ट्रेंथ है जो भारतीय भाषाएं हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उसके अंदर हमने कई सारे पब्लिशर्स ऐसे लेकर आए हैं
जो कि जिनकी उपलब्धता जो किताबों की होती है वो इतनी आसान नहीं होती, उनके लोग उनको लाकर उसके हम लोगों ने अपने पाठकों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की है। तो असल पूरा नंबर्स का काम पूरा इसके ये कुछ ऑथर्स हैं जो हमारे न्यूज हैंड पर जिनकी किताबें आप पढ़ सकते हैं, उसे कैसे पा जा सकते हैं आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर, iOS पर, विंडोज़ पर, ब्लैकबेरी, सब जगह हमारा न्यूज हैंड ऐप अवेलेबल है। आपको गूगल प्ले में जाके अगर आप न्यूज़ भी टाइप करेंगे तो आप हमें सबसे पहले पाएंगे। ये हमारा लोगो है। जब आप इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लेते हैं, न्यूज़ और बुक्स के दो सेक्शन आते हैं। मैं सीधे अभी बुक्स का सेक्शन आपको दिखाया है क्योंकि आपको आसानी से आप जैसे देख सकते हैं। जब आपको लिस्ट मिलेगी कोई भी किताब पर आप क्लिक करते हैं, ऑथर की अपनी मनपसंद ऑथर की किताबें आपको इस तरह लिस्ट में दिख जाएंगी, या कोई भी कैटेगरी अगर आप देखना चाहते हैं तो वो सब आपको मिलेंगी। इस तरह में रेटिंग होती है और ये जो किताब हमारे कस्टमर्स के रिव्यूज हैं और आप सबके रिव्यूज हैं। शोर में सर किसी का नाम इधर है जो यहाँ पर भी उपस्थित है? कुलभूषण जी। और आपको भी जब आपकी किताब कोई भी आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो एक लाइब्रेरी आपके ऐप पर, हमारे ऐप पर ही आपको मिलती है और इस तरह लाइब्रेरी के अंदर आपकी किताब यहाँ पर रहती है। ये आप किताबें एक बार डाउनलोड होगी आप उसे ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। और ये बुक मार्क जो आप देख रहे हैं 80-20 के ऊपर है, आपने कितने पेजेस पढ़ लिए हैं, कितना परसेंट आपने किताब पढ़ लिया उसका नोटिफिकेशन दिखाते हैं। और आखिरी में तो बस मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा एक बार हमें कोशिश कीजिए। और ये ही सिर्फ एक कारण नहीं है, ये भी एक कारण है कि हमारे पास अच्छे डिस्काउंट्स नहीं है। थैंक यू। अभी हमारे पास पंजाब से चलकर गुरप्रीत सिंह जी और अमीर सिंह जी यहाँ पहुंचे हैं, लेट हो गया तो उनके कारण मैं चाहूँगा कि इनका तालियां बजाकर अंत में मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा इस कार्यक्रम की उपेरवा हमारे परम श्रद्धेय श्री सुरेंद्र मोहन पाठक जी से कि वो अपने विचारों से हमें अभिभूत करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे साहब सुरेंद्र मोहन पाठक द लीजेंड ग्रुप के सदस्य हैं तो वो पाठक साहब को एक जी सर मेरी इच्छा है कि मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा। तो पहले आप ही बोलिए सरदार जी, आज तो गुरुपुरब है आपको तो साहब और मंच पे असीम सज्जन और मेरे दोस्त, आज मेरे जीवन की एक तरह से दिवाली है कि पाठक साहब से मैन टू मैन आगे मुलाकात होगी। अब मैं उनको देख रहा हूं, टाइम की कमी से मैं थोड़ा शॉर्ट रखता हूं। मैं 78 से पाठक साहब के नावक पढ़ रहा था तो डाई हार्ड फैन तो खैर कुलभूषण जी, ऋषि सिन्हा जी होंगे, मतलब फैन मैं पाठक साहब का बहुत पुराना हूं। इनसे जो कुछ सीखा वो अतुलनीय है। नावल और भी पढ़ते थे और भी राइटर्स का, पर जो इनसे सीखा वो कल्पना से परे है। मैं अपनी बात बताता हूं, मेरी जो पर्सनैलिटी डेवलप हुई, जो स्मार्ट टॉक, अब आपसदारी में तो हम मतलब उसको कुछ और कहते हैं, लेडीज बैठी हैं, मैं बोल बताना नहीं चाहूंगा वो कि एक दूसरे का कैसे बनाना, वो पाठक साहब से सीखा। मौके की नजाकत का फायदा उठाना वो पाठक साहब से सीखा। और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को माहौल के एडजस्ट करना वो पाठक साहब से सीखा। एक बड़ी मजेदार बात, पर्सनल बात है, वो आपसे शेयर करना चाहूंगा कि पाठक साहब के शदाई किस कदर था। मैं 89 में मेरी मैरिज हुई थी, अभी सिल्वर जुबली पीछे मनाई है, तो मेरी सुहागरात जिस दिन थी 10 दिसंबर को, मुझे याद है, याद वो नावल याद नहीं था, मेरी मिसेज ने बताया कि वो पांच पापी नावल था।
तो वो मुझे टाइम नहीं मिला मेरिट की व्यवस्थाओं के चलते हुए, आखिर के 15 या 20 पेज थे जो मैंने अपने रूम में एंटर होने के बाद पहले वो पढ़े। तो वो वक्त पुराना था, 25 साल पुराना। आजकल तो लड़के लड़कियां आपस में वाकिफ होते हैं, एक दूसरे के एटीट्यूड से पता होता है। वो उस टाइम में मेरी मिसेज हैरान थी कि बंदा आते ही नावल पढ़ने लग गया। तो अब भी जब पाठक साहब का नावल आता है तो मैं उसे छुपा के पढ़ता हूँ, वरना वो फेंक के मारती है कि मेरी सौतन है ये नावल, मेरी सौतन है। तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था। दूसरा एक और इंसिडेंट है, जब हम इंजीनियरिंग करते थे तो थोड़ा पढ़ाई में वो स्टूडेंट लाइफ का कुछ अलग ही मजा आया करता था, पढ़ाई में कम ध्यान होता था। तो प्रोफेशनल कॉलेज में हम अपना टाइम पूरा करके निकल गए तो काफी कंपार्टमेंट हाथ में थी। तो उसके बाद हमारे और भी लड़के थे, उन्होंने कहा कहते यार ये ऐसे तो क्लियर होने नहीं, कुछ किया जाए। अब वो टाइम नहीं है तफसील बताने का, किस दिन ग्रुप में बैठूंगा तो शेयर करूंगा। मैं ये बताता हूं कि हमने मैनेज किया कि वो प्रेस कहां थी जहां से पेपर छपते थे। हम ऐसी, मतलब मैं ऐसे मौके पर खुद को सुनील की जगह रख के फिर सोचता हूं कि कैसे किया जाए। मतलब वो हालांकि इसको बैड सेंस में भी लिया जा सकता है, बट वो बैड सेंस नहीं है, आप उसको पॉजिटिव वे से देखिए। हमने वो प्रेस पता की, आगरा की प्रेस थी, आगरा की प्रेस को ढूंढा, वहां पे सर्वे किया कि किस आदमी को हम टैकल कर सकते हैं। उस आदमी को परखा, जांचा, उसके घर पहुंचे पीछे, उसको ल्योर किया। सबसे बड़ी बात थी ये सब कुछ मैनेज होने के बाद भारत के प्रेस में से वो पेपर जो है वो कैसे बाहर निकलेगा। तब हमारे दिमाग में आइडिया आया, ये पुरानी बात है, तब साइकिल का जमाना होता था, जो साइकिल का हैंडल होता था, हैंडल जो है आपने, आपको याद होगा कि वो एक कवर पड़ा होता है। तो दिमाग में आया कि उस हैंडल का कवर उतार के जो बीच में खाली होलो होलो पाइप है उसमें पेपर डाल के वो हमने वो पेपर आउट करवाए और हमारे ग्रुप ने वो क्लियर किए। तो ये हालांकि इसको आप पॉजिटिवली लें, बैड सेंस में ना लें, बट पाठक साहब से हमने राधा सुनील से जो इनका मानस पुत्र है अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है और अब भी कामयाबी के रास्ते में चल रही है। ऐसी बात नहीं है कि हमने उनको सफर किया। मेरे बच्चे अब भी पूछते हैं पापा ये पाठक साहब से आप मिले हो कभी? तो कल मैंने उनको बताया कि मैं आज पाठक साहब से मिलने जा रहा हूँ। मेरा बच्चा बीटेक कर रहा है, एक अच्छी 5-star होटल में हयात में काम कर रहा है। तो जब भी पाठक साहब के नाम पढ़ते थे, पापा ये पाठक साहब के नाम कब तक पढ़ोगे आप? तो मेरा यही डायलॉग होता था कि जब तक जिंदगी है भैया तब तक पाठक साहब के नाम पढ़ेंगे। तो आज मैं पाठक साहब से अर्ज करूंगा कि कम से कम एक मिनट ही मेरे लिए स्पेयर करें, मेरी जिंदगी की तमन्ना पूरी हो जाएगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गुरप्रीत जी। शुक्र है आप आगरा की प्रेस में गए, अगर मेरठ की किसी प्रेस में गए होते तो पेपर नहीं लाते, पाठक सर का उपन्यास ही ले आते, आरोप करवाते होते। तो अब मैं निवेदन करूंगा कुलभूषण जी, मुबारक जी, सुधीर जी, विशी जी, शरद जी से के कृपया हो गए और पाठक सर को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। Thank you.
आप लोगों ने मेरी हालत तो छोड़ी नहीं, कुछ कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत अभिभूत हूँ, बाप इवन भावनाओं के जज्बात के सैलाब में बाहर जा रहा हूं। एक आप पूछता हूं तो दूसरी बहने लगती है, बहुत मुश्किल है। Please forgive a weakling. I cannot help it. Sorry. माँ करो। नहीं वहाँ भी इतना ही मुश्किल। मुझे लगता है कुछ सवाल जवाब अगर पूछूँ बातचीत की शक्ल में तो शायद ज़्यादा भी नहीं, कोई नहीं, कभी कभी होता है हमेशा। ये एक्स्ट्रा बोर है सारा, तो बोर रहा कोई शोर नहीं है। सर, 2 मिनट आपको सुनना चाहते हैं। बोलेंगे बोलेंगे। खुशी में शायर के शेर का जिक्र आया था, आता ही था उसमें कि आज मैं जहाँ पर हूँ कल वहाँ कोई और था। मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ, मैं कल जहाँ था वहीं आज भी हूँ, और आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं आगे भी यहीं रहूँ। आगे बिना ही जो आप लोग साथ दें, किस्मत साथ दें, तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मेरे से ज़्यादा लंबे अरसे तक लोगों ने लिखा है और बहुत लंबी उम्र तक लिखा है, मेरी कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट ये नहीं है, लेकिन उसका कोई मियाद बना रहे इसकी मेरी मेहनत का काम है, और वो रंग लाए आप लोगों की दुआओं से तो मुझे बहुत खुशी होगी। की कोशिश से सब कुछ हो जाता है, कौन सो काम कठिन जग माही कहते हैं, और कोशिश करेंगे, नाकाम होंगे फिर कोशिश करेंगे, हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। ऊपर वाले की इनायत है कि अभी तक तो कभी पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं आया, आगे भी ना आए इस बात के लिए आप भी मेरे साथ मेरे लिए दुआ दीजिए। मैं दुआ खोलने की कोशिश करता हूँ, गला रुक जाता है। खुशी है मेरे को इस बात की, कोई अफसोस नहीं है। एहसान मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्तों। आपकी लंबी उम्र और लंबे लेखन काल के लिए हम दुआ करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और
यहाँ पत्ते सभी जन और पाड़ी सर आपके जितने भी बाकी फैंस हैं, हम सभी आपकी लंबी उम्र के लिए दुआ करेंगे, दुआ करते हैं और करते रहेंगे। तो आपके लेखन के सफर को और जितनी रूट पर चले हम पढ़ते रहेंगे, आप लिखते रहिए हम पढ़ते रहेंगे। और मैं एक बार जरूर कहूँगा कि मैं कहूँगा पाड़ी साहब जिंदाबाद, आप बोलिए जिंदाबाद जिंदाबाद, पाड़ी साहब जिंदाबाद, पाड़ी साहब जिंदाबाद, धन्यवाद श्रीमान। पर वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे डाई आर्ट फैंस मौजूद हैं, लेकिन एक हमारे बीच खास शख्सियत है, उनको हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रही चिपके, इसीलिए खास है, चिप जाते हैं, अपना काम करते हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत की है और हम इन्हें एक अपनी तरफ से स्मृति चिन्ह देना चाहेंगे। मेरी मुराद है श्री सुधीर भटक जी से। पाठक सर और कुलभूषण जी कुमार जी, प्लीज आप भी साथ में आ जाइए। हाथ कांप रहे हैं, दस्तखत बिल्कुल सही है, ये सुधीर जी का। थैंक यू। मेरी पुरानी अनुपलब्ध पुस्तकों को ई बुक के रूप में पाठकों तक पहुंचाने में दिए गए अप्रतिम योगदान के लिए मैं सुरेंद्र मोहन पाठक, सुधीर भटक जी, बराक साहब नहीं है भटक साहब, क्या धन्यवाद करता हूं आपके हस्ताक्षर गिना के लिए। अभी ना जाइए, सबको इंट्रोड्यूस कर दिया, मैं इनका भी परिचय दे देता हूं। ये पंजाब के एक बहुत जाने माने कवि हैं और इनकी कविताएं एक बहुत बड़ा नाम रखती हैं पंजाब में। एक इनकी बहुत मशहूर कविता है जिसके कि हम सब मुरीद हैं, तो इनसे विनती है कि 2 मिनट उसको जरा पढ़ें। जितनी मेरी मानी सब है उतनी मैं सबकी मानूंगा। 2 मिनट ही होगा पाठ साहब, पंजाबी जा रही है अपन से कविता मेरी पंजाबी विच है, आलमोस्ट सारे समझ आएगी। लोहड़ी नेड़े है, लोहड़ी के उत्ते असी एक गीत गाने होंगे सुंदर मुंदरीए दस तेरा कौन विचारा, तो वो कविता है कि सुंदर मुंदरीए दस तेरा कौन विचारा, एक सी सुंदर मुंदरी जिसका नाम सी सीता माता, एक सी सुंदर मुंदरी जिसका नाम सी सीता माता, धर्मी बाबल जनक ने उन्होंने रामचंद्र नाल व्याहता, 14 साल वणा विच कट्टे, 14 साल वणा विच कट्टे, उस अपना फर्ज निभाता, पर एक धोबी के कहण ते राम ने कीता दूर किनारा, सुंदर मुंदरीए दस तेरा कौन विचारा, एक सी सुंदर मुंदरी जिन्हें इश्क चाक नाल कीता, एक सी सुंदर मुंदरी जिन्हें इश्क चाक नाल कीता, रांझे ताईं छुरी खुआई जग दा फिकर ना कीता, बावल कीता धोखा हीर दा व्याह सैदे नाल कीता, ते तूं तां तुर गई उहने हीरे रोवे रांझा प्यारा, सुंदर मुंदरी दस तेरा कौन विचारा, ते एक सी सुंदर मुंदरी जिहड़ी विच थलां दे मोई, एक सी सुंदर मुंदरी जिहड़ी विच थलां दे मोई, यारी नाल बलोच दे लागे कदे ना सस्सी सोई, पर इक दिन सी ऐसी सुती उठ किस्मत ते रोई, सस्सी सुती रह गई राती छट गया पुनू प्यारा, सुंदर मुंदरीए दस तेरा कौन विचारा, ते एक सी सुंदर मुंदरी जिस यारी नहीं वाल नाल आई, ना भी सोहनी सी भी सोहनी जिवें अरशों उतर के आई, यार मिलन की खातर उस तारी विच चनांदे लाई, यार मिलन की खातर उस तारी विच चनांदे लाई, पर नंद बत्ती ऐसी टकरी रख्या कड़ा निकारा, सुंदर मुंदरीए दस तेरा कौन विचारा, ते इको सुंदर मुंदरी जिहड़ी धाक कबरां ते मारे, इको सुंदर मुंदरी जिहड़ी धाक कबरां ते मारे, मोए वारस शाह नूं कबरों बोलण लई पुकारे, लिख कवितावां उसने छोहे सत अंबरां दे तारे, लिख कवितावां उसने छोहे सत अंबरां दे तारे, ते ओह तुर गई ते सानूं दे गई अपना दर्द उधारा, सुंदर मुंदरीए दस तेरा कौन विचारा, इको सुंदर मुंदरी जिहड़ी परसों विआह के आई,
ਇੱਕੋ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਬਾਪੂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਾਜ ਦੇ ਰੱਖੇ ਲਾਈ ਤੇ ਸੱਸ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਕੀ ਸਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਿਆ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਿਆ ਦੇ ਕਰੀਏ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਆਹੀ ਇੱਕੋ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਲੱਟ ਕਰਵਾ ਮਾਪਿਆਂ ਅਧਖੜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚ ਉਸਨੇ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤ ਖੁਆਈ ਤੇ ਰਸ ਚੂਸ ਕੇ ਉੱਡਿਆ ਭੋਰਾ ਮੁੜਨਾ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕੋ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕੋ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਾਵੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰੇ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਵੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪਤੀ ਦੇਵ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤਾਈਂ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟੀ ਇੱਕੋ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਛੇਦ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸਦੀ ਲੁੱਟੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਉਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਉਹ ਨਿਮਾਣੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲਵੇ ਨਾ ਜਨਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕੋ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀ ਜਿਸਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇੱਕੋ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀ ਜਿਸਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਆਇਆ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਆਇਆ ਅੱਤਵਾਦ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਣਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਣਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕੌਣ ਸਹਾਰਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਰਦੀ ਇੱਕੋ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਖੁਦ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਇੱਕੋ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਖੁਦ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਅਮੀਏ ਨਾ ਮਾਰੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਅਮੀਏ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਤਰਲਾ ਕਰਦੀ ਮਾਨਵ ਜਨ ਗੁਮਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਨੇ शुरू करने जा रहे हैं और इसके लिए सुयोग्य पात्र हमारे वही ऑस्ट्रेलिया निवासी ये सब फैंस की तरफ से आपके लिए धन्यवाद दोस्तों ये आज की हमारी सभा की आखिरी पेशकश थी उसके लिए आपका शुक्रिया बीच बीच में आपने मुझे भी सुना आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे एक मिनट वेट वेट किशोरी थैंक यू सर स्टार्ट करना है इनसे गुडविल जी से हाँ एक मिनट साथ हुए उसमें भी 20 मिनट की अलाउड होती है तो इधर भी एक फोटो क्लिक के टाइम भी ऐसे मूवी चल रहा है।
अब सर आपको ना आदत डाल लेनी चाहिए इस तरह से। आपको आती है अगस्त मुकर्रर है। नहीं नहीं डायमंड वाले एक्सक्यूज मी सर, शुरुआत की सही होगी। इतने हाथ पाप रहे हैं तीन ही है ज्यादा नहीं। दो क्यों ली? ये एक अमित भाई एक मेरे ही जमीन चल रहे कोई सा भी बैग वो लेट की बात है। वो चंडीगढ़ वाले कौन मनोज मनोज के पास चलो ठीक है थैंक यू सर। अरे नीचे आशीष जी।